पीएम मोदी 15 नवंबर को भोपाल में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करेंगे। इस कार्यक्रम की तैयारी अंतिम दौर में है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन परिसर में डोम बनाया गया है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेलवे अधिकारियों को संबोधित करने के अलावा देश की जनता को हबीबगंज रेलवे स्टेशन की सौगात देंगे। कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया नादी टीवी संवाददाता दुष्यंत पारसन ने। 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करने वाले हैं और उसी कार्यक्रम को लेकर यहां पर तैयारियां जो हैं वो लगातार जोरों पर हैं। जिस तरीके से अगर पूरे कार्यक्रम की बात की जाए तो लगभग आधे घंटे का ये पूरा कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेशन का अवलोकन तो करेंगे ही, साथ ही साथ में जो यहाँ पर अधिकारियों के सामने वो इस स्टेशन का लोकार्पण भी करेंगे और उसके लिए जो कार्यक्रम तय किया गया है उसके लिए जो डोम लगाया गया है उस डोम में लगातार जो है तैयारियां जोरों पर हैं। और जिस तरीके से अगर पूरी तैयारियों की बात की जाए तो हर एक व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद रखी गई है ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी कोताही यहां पर सामने ना आए, कोई भी लापरवाही सामने ना आए, इस बात को ध्यान में यहां पर रखा गया है। अधिकारी जो है वो समय समय पर लगातार दौरा कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और जिस तरीके से जब पूरा कार्यक्रम आयोजित होगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से रेलवे कर्मचारियों के साथ साथ देश भर को संबोधित करेंगे। तो ये जरूर कहा जाएगा कि जिस तरीके से देश भर में हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो है वो वर्ल्ड क्लास का स्टेशन जो है वो निकलकर सामने आएगा और लोगों के लिए सुविधाएं भी यहाँ पर बढ़ेंगी। तो सुरक्षा की अगर बात की जाए तो एसपी की जी की सुरक्षा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल होंगे और आज शाम से ही एसपी जी जो है वो कहीं ना कहीं हबीबगंज रेलवे स्टेशन की सुरक्षा की बागडोर जो है अपने हाथ में ले लेगी। कैमरा पर्सन मनीष के साथ दुष्यंत पारसर, अनादि टीवी, भोपाल।